हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हिंदी भाषण। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आदरणीय प्रधानाध्यापिका जी, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा शुभ प्रभात और इस आज़ादी का अमृत महोत्सव की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम तनीषा मिश्रा है और मैं नवी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके समक्ष इस शुभ अवसर पर एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ। 15 अगस्त 2022 को हमारे भारत देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। इस महोत्सव को मनाने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 मार्च 2021 को लिया गया था। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा। इस महोत्सव का आगाज गुजरात के साबरमती आश्रम से किया गया। इस उत्सव में जन जन की भागीदारी है। अमृत महोत्सव का मतलब नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत है। इस महोत्सव से भारत अपने स्वतंत्रता सेनानी, अपनी संस्कृति, अपनी गौरवशाली प्रतिभा और उपलब्धियों का जश्न मना रहा है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग के बारे में जानकारी देना है। यह महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की याद दिलाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। हमें भी इसमें अपनी भागीदारी अवश्य देनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।